नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। अब हम आपको आखिर ये खबर बताएं भी तो कैसे बताएं, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि भाजपा में टिकट वितरण से पहले इतना बड़ा घमासान हो जाएगा, और घमासान भी ऐसा हो जाएगा जो कल हमने आपको खबर दिखाई थी, कैसे खट्टर और शाह का घमासान हो गया, टकराव हो गया, एक तरफ राव का टकराव, और अब ये घमासान सीधा पहुंच गया है मोदी के दरबार तक। और उसी पे अपडेट देने के लिए हमारे साथ है प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी, साथ के अंदर राजनीति विश्लेषक है, चर्चा करेंगे और एक और चर्चा साथ में करेंगे, आखिर राव की फजीयत कौन करवा रहा है अहिरवाल के अंदर। ये तमाम मुद्दे हैं, लेकिन जो टकराव राव का कहे के खट्टर के साथ चल रहा था, खट्टर का शाह के साथ चल रहा था, और अब मोदी जी की एंट्री हो गई है, इनके क्या मायने निकाले जाएं। अगर टिकट वितरण से पहले ये घमासान है तो आप सोचिए टिकट वितरण के बाद क्या होगा, जब किसी नेता की नहीं चलेगी, उसके अनुसार टिकट नहीं मिलेगी तो क्या हाल होगा। घमासान तो कांग्रेस में भी चला हुआ है, लेकिन वहां से इस तरीके का घमासान नहीं आ रहा कि जिसकी चर्चा की जा सके। हालांकि चर्चा उसकी भी करेंगे अगर वहां से कोई बड़ी खबर आएगी तो, क्योंकि वहां बकायदा मैनेज किया जा रहा है, उनको ये लगता है हम सत्ता में आ रहे हैं किसी भी तरीके से तो उसको मैनेज कर लिया है। बोबीराव जी, देखिए खट्टर शाह का टकराव, राव का खट्टर से टकराव, ये क्या बीजेपी में हो रहा है? अब तो मोदी जी की एंट्री हो गई है। मोहनलाल जी कुछ नहीं है, जरा अहम की लड़ाई चल रही है। खट्टर साहब 9.5 साल हरियाणा में राज किया, तो इतनी जल्दी से वो जाने नहीं देना चाहते कंट्रोल अपने हाथ से, तो इसलिए अब वो जो फैसले ले रहे हैं या जिद पे अड़े हुए हैं उसकी वजह से लेके अब किरकिरी तो होगी पार्टी की। अब वो 4-5 दिन से अड़े हुए थे कि मैं ये जो जजपा के जितने बागी कैंडिडेट थे, एमएलए थे, इनको बीजेपी में ज्वाइन करवाने के लिए, तो कल तो उनने उनको ज्वाइन करवाया 4। देवेंद्र बबली जी कांग्रेस गए थे, कांग्रेस ने मना कर दिया, तो आज उनने बबली जी को अलग से बीजेपी में ज्वाइन करवा दिया है। अब हालात ये है कि खट्टर साहब को जो अपने कैंडिडेट हैं बीजेपी के उन पे ही विश्वास नहीं है। अब ये 5 जो एमएलए ज्वाइन करवाए हैं, 5 टिकट मांगेंगे। अपने सतपाल सांगवान जी थे एक, उनके बेटे हैं, उनसे रिजाइन करवा के उनको भी बीजेपी ज्वाइन करवा दी है, वो जेलर थे। खुद के उम्मीदवार नहीं है क्या? नहीं है क्या? क्या सारे जो लाओगे खुद के उम्मीदवार? नहीं नहीं, खट्टर साहब क्या नाम है, मोहनलाल जी खुद के उम्मीदवार हैं, मगर खट्टर साहब हरियाणा में बीजेपी पे अपनी पकड़ चाहते हैं पूरी तरीके से, फुल कंट्रोल, पार्शियल कंट्रोल नहीं, फुल कंट्रोल। तो वो फुल कंट्रोल की लड़ाई चल रही है। अब कल शाह साहब ने ये जो रैली थी वो कॉल की थी, उसमें वो नहीं आए, उनकी फोटो वगैरह भी हटा दी गई, काफी कुछ हुआ है। अब वो सब मामला चैनल्स में, विभिन्न विभिन्न चैनल्स में खूब उठ रहा है कि वो भाई मोदी साहब के वहां बातें पहुंची हैं, मोदी साहब ने खट्टर साहब से भी स्पष्टीकरण मांगा किया है। अब देखो सत्ता की लड़ाई है, ये तो सत्ता की लड़ाई तो सदियों से चली आ रही, सत्ता में लड़ाई होती है, तो सत्ता की लड़ाई में कोई देखता ही नहीं है ऊंच नीच। तो खट्टर साहब अपनी पाए हैं, घर के चिराग से घर को आग लगेगी, ये मान ले जैसे 14 में अगर कांग्रेस को लगी थी। भाई ऐसा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक ये कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, आधी आधी साल से चली आ रही है। अब खट्टर साहब का कंट्रोल करने का उनकी एक वो जिद है, अब कहां तक कामयाब हो पाते हैं या पार्टी को खत्म कर देते हैं। भाई तो राव कहते हैं मेरा कंट्रोल होना चाहिए, खट्टर कहते हैं मेरा होना चाहिए, राव राव सुनिए सुनिए, सुनिए मोहनलाल जी, राव कंट्रोल नहीं मांग रहे, राव बीजेपी में दक्षिण हरियाणा का, हरियाणा में हक मांग रहे हैं। राव कंट्रोल नहीं मांग रहे कि मुझे कंट्रोल चाहिए, राव दक्षिण हरियाणा का हक मांग रहे हैं, तो ये अपना हक मांग रहे हैं। भाई एक बात तो अलग अलग समझ जानी चाहिए ना भाई, अहिरवाल भाई सत्ता जीते हैं, क्यों राव सत्ता का, सत्ता का रास्ता बीजेपी को, बीजेपी ने हरियाणा की सत्ता का स्वाद चखा
जब दक्षिण हरियाणा बीजेपी के साथ आया, दो बार सरकार बनी है तो दक्षिण हरियाणा की वजह से बनी है, राव इंद्रजीत सिंह की मेहनत से बनी है। अब खट्टर साहब तो ये चीज बंद ही करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ मेरा ही नाम हो कि सरकार बनी है मेरे फेस से बनी है, तो मैंने ही बनाई है। शाह की भी नाराजगी यही थी कि भाई राव को तुम क्यों नाराज कर रहे हो, अहिरवाल में हमें सीटें चाहिए, फिर राव सीएम बनाएंगे उस पर भी मान गए, नायर सिंह सैनी पे लड़ेंगे चुनाव उस पर भी मान गए, फिर तुम टिकट भी नहीं दे रहे राव को, तो राव को जानबूझ करके फजीयत करनी है, राव को परेशान किया जाना है, ये तमाम चीजें कहीं कड़ी दर कड़ी जुड़ रही है क्या आपस में? जी हाँ, ये सब जुड़ रही है। खट्टर साहब जिद पे अड़े हुए हैं, साहब ने अपनी बड़ी मजबूती से, राव साहब ने बड़ी मजबूती से अपनी बात हाईकमान के सामने रखी है, किस लिए सीट मांग रहे हैं, और वो जिन जिन कैंडिडेट की सीट मांग रहे हैं उनकी जीत की गारंटी दे रहे हैं कि भाई जब मैं अगर टिकट मांग रहा हूं तो मैं जिता के भी लेके आऊंगा इनको मैं। तो मोदी जी ने क्रास लगाई नहीं लगाई, क्योंकि देखिए एक ही कैडर में है भाई, जोड़ीदार रहे हैं। अब इधर अमित शाह से बात करे या खट्टर से बात करे, क्योंकि उनके स्कूटर में घूमे और वहां वो जोड़ीदार रहे हैं, हरियाणा में खट्टर 9.5 साल सीएम रहे हैं, तो वो भी कहीं अब ये जोड़ीदार में है। अब ये तो पता नहीं क्लास लगी नहीं लगी, मगर हाँ इस विषय पर चर्चा हुई है, और फिलहाल अभी लेटेस्ट तो ये है कि नड्डा साहब के घर पे मीटिंग चल रही है, जो बाकी बची हुई 35 सीट थी उनके लिए डिस्कशन चल रहा है, और होपफुली मीटिंग चल रही है। मीटिंग चल रही है जी। विनय जी, पहला जो हम देखिए, आज हमें दो चीजों पर डिबेट करनी है, दोनों बड़े मुद्दे हैं। पहला मुद्दा मैंने बता दिया आपको कि ये घमासान टिकट वितरण से पहले, आगे आगे क्या होगा अगर अभी से ये स्थिति है, तो जैसे 14 में हमने देखा कांग्रेस के अंदर था, घर के चिराग से घर को आग लग गई, वो इधर भाग रहा है, जैसे तराजू के अंदर मेंढक तोलने वाली स्थिति हो रही है, वो स्थिति कहीं ना कहीं होगी। ऐसे रूठा मनाई, अरे अहिरवाल में राव है, राव के हिस्से के अंदर जाने दो, अगर आप जैसे 2014 में लेके आए थे, वहां से वीरेंद्र सिंह को लाए, वहां से राव को लेके आए, वहां से धर्मवीर को लेकर के आए, तो सत्ता आ गई। इस बार क्या इनका विनाश करने विपरीत बुद्धि जो बता रहे हैं? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी में इनकी विचारधारा से सहमत होने वाले नेता 2014 से पहले बहुत कम संख्या थे। अब पलायन करके आप विभिन्न दलों से विभिन्न विभिन्न विचारधाराओं के अलग अलग सोच के नेताओं को आप लेकर आओगे, और आप सबको आप एक ही जगह उनको बैठाकर बात करेंगे तो कोई भी सहमति नहीं बन पाएगी। ये टकराव तो होना था, अरे 10 साल तक ये बिना टकराव के टाइम निकल गए, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये कम समय नहीं निकाला जो भी नेता पार्टी के अंदर आए और उन्होंने पार्टी के साथ, वो भी इसलिए वजह सेंटर में भाजपा की पूर्ण बहुमत में सरकार थी, और हरियाणा के अंदर भी अब लग रहा है लोगों को अब सरकार जाने वाली है, तो इसलिए सब अपना जो वर्चस्व है वो दिखाना चाहते हैं, दम दिखा रहे हैं। सब कहना चाहते हैं तू शेर में सबस है। बिल्कुल। अब बात करें लड़ाई टिकट वितरण की नहीं है, लड़ाई तो सभी नेताओं के अपने अपने वर्चस्व की है। राव साहब भी टिकट वितरण की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो भी अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर खाली दक्षिणी हरियाणा के हित की बात हो या पूरे हरियाणा के हित की बात हो, तो खट्टर साहब को केवल अपने आदमियों के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं इसी को टिकट दी जाए, मेरा पी है या मेरा वो है या मेरा नजदीकी है या मेरे आशीर्वाद से, नहीं। यही बात लागू और सांसद या नेताओं पे होती है, दक्षिण हरियाणा में भी यही बात है। अब सब अपने निजी वर्करों को सेट करने में लगे हुए हैं कि जिनके दम पे हमारी राजनीति चलती है, हम उनको अपनी तरफ से अवार्ड रिवार्ड दिलवाते, टिकट दिलवाए, चुनाव लड़वाए, ताकि वो आपके लिए लॉयल रहे। पार्टी के लिए लॉयल्टी की बात ना खट्टर साहब की तरफ से आ रही है, और ना दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो हमारे सांसद साहब की तरफ से आ रही है, या गुड़गांव में बात करें या और एमएलए के कैंडिडेट है उनकी तरफ से आ रही है। मतलब पार्टी हित नहीं है, वो पार्टी हित भाजपा में बचा ही नहीं, सबका निजी हित बचा है। जिस तरह से पार्टी से जो पहले चुनाव लड़ चुके, हार चुके, जीत चुके, सब अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, टिकट नहीं मिली तो हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिली तो चुनाव लड़ेंगे, तो वो फिर पार्टी हित में नहीं है, सब अपने निजी हित में उलझ कर रह गए हैं। ये एक सच्चाई है, कटु सत्य है, मगर क्या जिसका जो समर्थक है उसको अपने नेता की बात अच्छी लगेगी। हम किसी नेता के लिए बात करें, सच्चाई का अवगत कराएं, तो उनको बातें बुरी लगेगी, हम दूसरे के लिए कहते तो अच्छी लगेगी। तो ये भी एक, लेकिन ये झगड़ा मोदी जी के दरबार तक जाना, हम उसी बात में तो बता रहा कितना लड़ाई बन गया हरियाणा के अंदर। साहब की लड़ाई पहुंच गई मोदी जी के दरबार तक, राव साहब के लिए सुनहरा मौका हो गया, भाग्य अवसर मिल गया उनके अपना आप ही अटैक करने का खट्टर साहब के ऊपर, उनके निजी कार्यकर्ताओं को या राव साहब को भी। अब देखिए खट्टर साहब ने जब अमित शाह को इग्नोर कर दिया तो बाकी को भी इग्नोर करते रहे होंगे, तो अब ये उनको एक मौका मिल गया चुनाव के ऐन वक्त के ऊपर। इसीलिए टिकट वितरण का जो है वो प्रोग्राम अभी टाल दिया गया, इस पे फिर मंथन किया जाएगा, गहन मंथन होगा, उसके बाद टिकट वितरण होगा।
अगर खट्टर साहब को मोदी जी तवज्जो नहीं दे रहे होते, अब टिकट वितरण कमेटी के अंदर भी मोदी जी अमित शाह जी हैं, खट्टर साहब भी हैं, सैनी भी हैं और अन्य भी नेता हैं, तो बदलाव क्या हुआ? बदलाव कुछ नहीं हुआ, बस अंदर बंद कमरे में बैठकर इनकी नाराजगी दूर जनता में दिखाने का प्रयास किया जाएगा। अकबर कोई नाराजगी नहीं है किसी भी तरह की, सब भाजपा वाले एक हैं, मगर जो मन के अंदर जो मैल आ चुका है ना आज के समय में भाजपा के नेताओं में, सांसदों में, मुख्यमंत्री में या पूर्व विधायकों में, मंत्रियों में, उसको कभी दूर नहीं किया जा सकता। उसका खामियाजा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 100% भुगतना पड़ेगा। तो सवाल देखो बड़ा वही तो आ जाता है ना, देखिए एक तरफ राव की फजीहत हो रही है, राव भी समर्थक, देखिए राव राजनीति के अंतिम पड़ाव पे, एक उनके तवक्कल लगा जा रहा है कि भाई वो तो अपनी बेटी के लिए लग रहे हैं, अपने समर्थकों के लिए लग रहे हैं, जाहिर है आगे पार्टी टिकट देने नहीं, 75 बार का उन्होंने उम्र का लगा रखा है, अगर टिकट मिलेगी नहीं, राजनीति जीवन आगे चलाना है तो अपना जब तक कैडर नहीं खड़ा करेंगे तो वो कहां जाएंगे भाई, उनको अपनी बेटी को भी लड़ाना है, अपने 5-4 समर्थक भी चाहिए, राजनीति में तो जिंदा रहना है। देखिए मोहनलाल जी, ना तो खट्टर साहब का अपना कोई राजनीतिक स्वयं का कैडर है, बात करें तो वो भी पार्टी के आधार पर ही जिंदा है, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़े या अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़े तो उनका भी पूरे हरियाणा में, जिस तरह का अपने आपको नेता मानते हैं पूरे हरियाणा का, वो भाग्यवश वो मुख्यमंत्री बन गए और अब उन्हें फील होने लग गया कि मैं तो पूरे हरियाणा को कंट्रोल कर सकता हूं, उस तरह का उनका नेतृत्व नहीं है। अब यही बात हमारे और जो भी सांसद हैं उन पे लागू होती है, अगर जिस तरह का वो दिखाते हैं, मैक्सिमम सांसद वो है, मुझे बताइए निर्दलीय कौन है? राव तो, राव तो अहिरवाल की बात, नहीं नहीं नहीं, लेकिन राव के लिए तो अहिरवाल के सामान्य सीटों पर तो फर्क डाल ही सकते हैं। बिल्कुल, मैं उस बात पे आ रहा हूँ, राव अहिरवाल के सामान्य, इसमें कोई दोराय नहीं, राव अहिरवाल से पार्टी अगर बगावत करते हैं पार्टी से, तो किसी भी पार्टी के नेताओं को हरा सकते हैं, पर अपने दम पे वो उनको निर्दलीय चुनाव लड़ा के क्या जीता सकते हैं? अपनी पार्टी या संगठन खड़ा करके क्या वो अपने कैंडिडेट्स को चुनाव जीता सकते हैं? वो होता है पर्सनल जनाधार। चलिए वो हमेशा पार्टी के सहारे की जरूरत रही, पहले कांग्रेस की, अब भारतीय जनता पार्टी। चलिए वो भी भाई, इसी तरह और जो नेता है, जैसे रणधीर कापड़ीवास है, आप उनसे करीब क्या पार्टी के बिना वो चुनाव जीते इससे पहले? कभी भाजपा की लहर में ही जीते। अन्य और बहुत से नेता हैं, आप बात करें पूरे हरियाणा के आसपास के, तो बहुत से विधायक ऐसे हैं निर्दलीय कौन कौन से चुनाव जीते हैं, आप उनको तो आप कह सकते हो कि इनका एक निजी जनाधार है, वो निर्दलीय चुनाव जीत कर आए हैं। बिल्कुल, अगर आप हार रहे हैं लगातार या हार के नजदीक है और पार्टी वोट बैंक का सहारा मिलने से आप जीते, तो आपका सहारा पार्टी ही है। चलिए वो भी भाई, अहिरवाल को तो देखिए राव की भी कहेंगे फजीहत करवाने पे आमादा है, तो राव के समर्थक है, राव के कई तीसरा इंजन देख लीजिए, नगर परिषद की बात कर ले। अच्छा भाई आखिर हो क्या रहा है, यानी कि बाड़ी खेत को खा रही है क्या? अरे जिनको राव बनाते हैं वो राव को नहीं समझ पाते हैं, और राव कहते हैं कि मैं अपने समर्थकों को टिकट दिलाऊं। अरे देखिए रेवाड़ी की अब समस्या बताई, कौन सी समस्या मैं गिनाऊं आपको? आवारा सांड की गिनाऊं, गाय की गिनाऊं, सड़कों की गिनाऊं? लोकसभा में राव खामे जाए भुगत चुके ना, तो राव को अब तो जगना चाहिए। आप टिकट दिलाने की बात कर रहे हैं, उससे पहले बाकी सब चीज सही कर ले, वोट तो मुद्दों पर ही पड़ना है भाई। मोहनलाल जी, जो पिछले 5 साल हरियाणा में सरकार चली है, वो सरकार चली है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ से ही अगर कोई महेंद्रगढ़ में काम है या लुहारू में काम है या पलवल में काम है या मेवात के किस गांव में काम है, तो वो चंडीगढ़ सेक्रेटरीट से ही डीसी के पास फरमान आए हैं कि इस फलाने गांव में नलका खराब हो गया, पानी ठीक कराओ, इस फलाने गांव में बिजली नहीं आ रही, पोल लगा दो। किसी सांसद, किसी विधायक, किसी जनप्रतिनिधि की कोई औकात थी नहीं। तो अब हालात हुए हैं, वही तो पूछो क्यों चुप रहे भाई सांसद, सुनो ना, क्यों चुप रहे भाई, सुनिए ना सर, सुनो तो लो आप सर। अब अफसरों को वो आदत पड़ गई, अब आदत पड़ गई है, तो अब हालात ये है कि लोकसभा चुनाव में तो देख ही लिया क्या हुआ हालात, अफसरों ने क्या हालात कर दिया, अब वही हालात विधानसभा चुनाव में। शहर की दुर्दशा ये है कि जी बारिश होके हटी थी 4 दिन पहले, आज तक शहर में जगह जगह पानी खड़ा है, कचरा खड़ा है, बीमारी होने का पूर्णतः अंदेशा है, 100% लोग बीमारी के घेरे में फंसे। वायरल तो वायरल चल ही रहा है भाई, सारे मैं बीमार, ठीक है जी, 2 दिन में पूरी बारिश निकल गई, नगर परिषद के कान में जू नहीं रहेंगी, कोई सीवर साफ नहीं करवाया, कोई नाले साफ नहीं करवाया, नाली साफ नहीं करवाई, सोने पे सुहागे वाले काम कर दिया बिजली बोर्ड के महकमे ने।
आज हालात ये हैं कि गुड़गावा में राव साहब ने खुद कहा था कि गुड़गावा के अंदर 10-10 घंटे बिजली कट चल रहा है। सेम हालात अब रिवाड़ी के हैं, बिजली का ना दिन में पता है ना रात में पता है, फोन करो अफसर फोन नहीं उठाते, बोला जी थोड़ी बहुत खराब है। और सबसे मजेदार बात तो ये है, कुछ एक यहाँ पे भ्रष्ट एसडीओ बैठे हैं, अफसर बैठे हैं, उनके हालात ये हैं कि 3-3, 4-4 साल से जमे हुए हैं और एक पूरी लाइन का खर्चा जो बिछाने में खर्चा आता है उससे 3 गुना खर्चा वो लाइन मेंटेनेंस लाइन ठीक करने के नाम पे सरकार से ले चुके हैं। चंद वर्ष पहले ही एक नया बिजली बोर्ड बना था नारनौल रोड पे, रामपुरा पावर स्टेशन 33 केवीए का, उसमें हमारे सांसद महोदय जी की कोठी भी आती है, केंद्र में मंत्री भी है। अब हालात ये देख लो कि मंत्री जी की कोठी में लाइट नहीं है, चुनाव का टाइम है लाइट नहीं आती 10-10 घंटे, आज सुबह से लेकर शाम तक बिजली नहीं थी, परसों रात को बिजली नहीं थी। अगर आप हफ्ते में लगाओगे तो हफ्ते में 6 दिन 7 से 8 घंटे का कट है। यहाँ पे एसडीओ साहब बैठे हैं, उनसे बात करो, मैंने एक दिन चर्चा कर ली उनसे, बात कर ली यहां से, बोला भाई साहब मेरे को तो लट है, मेरे को तो एससी साहब को 4 लाख रुपए महीने पहुंचाने होते हैं, मैं अपने घर से बच्चे बेच कर लिया हूं क्या, मैं अपना घर बार बेच कर लिया हूं। वही तो पूछ रहा हूं भाई, राव जागे ना, राव की फरियाद हो रही है भाई, राव अपने सर राव साहब के राव साहब जनता को देना, वो नहीं देखेगी, वो नहीं देखेगी। आज सुनिए मोहन लाल जी, सुनिए, राव साहब के डीओ पे, राव साहब के फोन पे पिछले 5 साल में चपरासी का ट्रांसफर नहीं हुआ, वो तो क्लास वन गस्टेड अफसर है एसडीओ, तो क्या बात कर रहे हैं आप। जब उनको संरक्षण प्राप्त है हरियाणा सरकार का, ऊपर का मुख्यमंत्री बदल गए मगर बदले कुछ नहीं। आप राव के समर्थक है भाई, ऐसे मत बोलिए, राव का चपरासी नहीं बदला जा सकता, वो इतने बड़े सांसद है, आप उनके समर्थक होंगे। सुनिए सुनिए, मेरी एक्सचेंज से बात हुई, एक बार नहीं 20 बार बात हुई है नेहरा साहब या एक्सचेंज ने 20 बार बात हुई है कि नेहरा साहब आप इस एसडीओ साहब को बदल क्यों नहीं देते। बोला जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तो चार से, अरे बिजली को छोड़ दीजिए, चलिए मुझे ऐसा नहीं है कि 4 घंटे बैठना, मैं कह रहा हूँ आपके नगर परिषद को तो शर्म आनी चाहिए, वो तो राव के समर्थन से टिकट लेके आई थी, राव साहब का हाथ था, पार्टी ने बुला के तो दिया नहीं, इतनी बड़ी हक्कत नहीं था कि पार्टी बुला करके उनका टिकट देती, राव ने बिना पैर भी के टिकट मिल जाती, राव ने पैर भी करी है उनकी। कमाल कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, नगर परिषद चला रही है डीएमसी, डीएमसी को आदेश मिल रहे हैं चंडीगढ़ से, डीएमसी तो शहर के अंदर, सुनिए मेरी बात, अब बीच में मत बोलना, शहर में झाड़ू नहीं लगी, डीएमसी साहिबा ने शहर के चौक पे बोला फुहारे लगाऊंगी, 4 महीने से फुहार का काम चल रहा है, आज तक काम खत्म नहीं हुआ, लाखों लाखों करोड़ों रुपए फुहारे लगाने पर लगा दिए। अरे बारिश इतनी पड़ी है पूरा शहर जलमग्न हो रखा है, सीवर फुहारे का काम कर रहे हैं, सीवर में से फुहारा निकल रहा है गंदे पानी का, वो साफ नहीं करेंगे, फुहारे चलाएंगे, चौक बनवाएंगे, सुंदर सुंदरता पे ध्यान देंगे। बोबी भाई, अरे बोबी भाई, राव साहब आकर के बैठ जाए ना, आज दिन यार रेवाड़ी के अंदर कैसी बात कर रहे हो, मानसून का मौसम है, दिल्ली छोड़े आकर के बैठे और लगाए आज फोन, मीडिया में अपनी बात रखे, सुनिए अभी टिकट बट रही है, राव साहब टिकट बटवाएंगे कि यहाँ पे आपकी झाड़ू लगवाएंगे शहर के अंदर, छोड़ देना फिर टिकट, अगर ऐसी सत्ता में अगर काम नहीं हो रहा है तो छोड़ दो उस पार्टी को, नहीं नहीं सत्ता में तो फरियाद करवानी है तो कोई तो बीजेपी राव की बीजेपी पार्टी का बेड़ा गर्क करने में इस बार 90% हाथ इन अफसरों का रहा है, चाहे वो बिजली बोर्ड के अफसर है, चाहे डीसी ऑफिस के अफसर है, चाहे कर्मचारी को म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन दे दे इस्तीफा, दिखाए ना तुम, बोले ना आकर के राव साहब। मोहन जी सबसे बड़ी बात क्या है, अगर मनोहर लाल खट्टर जी के कोई एमएलए या मंत्री भ्रष्टाचार करते हैं तो वो उनके ऊपर जवाब देने के, सफाई देने के लिए तैयार नहीं, वो उनके को बचाने में लिपापोती करने में लगे रहते हैं। यही बात विधायकों या सांसदों पर है, अब उनके आशीर्वाद से उनके रहमोक्रम पर पड़ने वाले कोई चेयरमैन है या टिकट के दावेदार हैं या कोई पहले चुनाव, वो उनके रहमोक्रम पे अगर वो कोई गलत करते हैं तो उनके खिलाफ जाने के लिए वो तैयार नहीं है। अब सांसद साहब ने चुनाव लड़ा, सांसद के चुनाव में उन्होंने इस बात को माना, खा ये गलतियां कमियां रही, अब मैं इसको सुधारूंगा, कभी लोग मेरे यहाँ चाय पी जाएंगे, कभी मैं शहर के लोगों के यहाँ चाय पीने चले जाऊंगा। आज तक चुनाव के बाद एक बार भी आए क्या वो समस्या ढूंढने,
किसी अफसर की मीटिंग लियो, नगर परिषद में गए हो, लोगों की समस्याओं के लिए कभी दरबार लगाया हो। आज मैं राजनीति की बातें नहीं करूंगा, मुझे टिकट लेने वालों की लाइन नहीं चाहिए, अपने समर्थकों की लाइन नहीं चाहिए। मेरे पास आज वो लोग आ सकते हैं जो अपनी शहर की निधि समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी आईडी है, फैमिली आईडी है, नगर परिषद की सफाई है, नालों की सफाई है, शिविर की या गटर की सफाई है, या पानी गंदा रहा है, या बिजली की समस्या है। आप मुझे बताइए कौन सा एमएलए है, कौन सा मंत्री है, कौन सा सांसद है जिसने इस काम के लिए कभी स्पेशल दिन फिक्स करके अपने इलाके की जनता को बुलाया हो। अब जिम्मेदारी है, चुनाव आ रहे हैं तो अपनी कमियों को दूसरों पर डालने पे लगे, ये बताते तो है विधायक हमारा नहीं है, वही तो कह रहा हूं मैं, अपनी कमियों को दूसरों पर डालने पे लगे हुए। बात आती है सरकार की तो अफसर नहीं मानते, अरे अफसर किसके है भाई, सरकार के ही तो है। अब बात आती है सांसदों की तो मुख्यमंत्री नहीं मानता रहा, मुख्यमंत्री आप सांसद आप सीएम से करिए ना, सीएम से करिए कंप्लेंट, आप ऊपर करिए, मंत्री से कहो तो हमारा फोन डीसी नहीं उठाता है। भाई रेवाड़ी का बंटाधार बैठा दिया। कल में क्या है, नगर परिषद के चुनाव हुए, भाजपा की सीट पे हुए, भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन बनी, पूरी भाजपा ने और हमारे सांसद साहब ने पूरा आशीर्वाद दिया। लगातार 3 साल तक सांसद साहब के विशेष 2 व्यक्ति नगर परिषद पे नजर रखे हुए, मॉनिटरिंग करते रहे, उनके निर्देश पर सारे काम होते रहे। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, चैनल पे व्यक्तिगत हो जाता है, उसके बावजूद भी अगर लोगों के काम नहीं हो रहे तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार है या मुख्यमंत्री करना ही नहीं है, ना करना ही नहीं है, अधिकारी है या नगर परिषद, मेरे को लगता है करना ही नहीं है, मरने के लिए वो कह रहा हूं। अब इस चीज में जनता को नहीं पड़ना, जनता के लिए तो अल्टीमेटली काम नहीं हुए, चाहे वो सरकार ने नहीं किए, सांसद ने नहीं किए, नगर परिषद ने नहीं किए या अधिकारियों ने नहीं किए, उनको रिलीफ से मतलब है। अगर कोई मरीज हॉस्पिटल में जाता है, वो एडमिट होता है, उसका 6 घंटे इलाज नहीं होता है, और डॉक्टर ये कहे जो स्ट्रेचर बॉय था वो लेके ही नहीं आया अंदर, ठीक है मैं वही वही जिम्मेदारी किस पे, वो भी भाई इसके मतलब राज साहब लीपापोती का काम चल रहा है, ये सब अपने आप को, वो भी भाई, वो भी भाई इसके मतलब मुझे लगता है राव साहब ने भी वही पॉलिसी अडॉप्ट की, अपना चुनाव जीत गए, अब भाई मैं टिकटों में लग रहा हूँ, ये कर रहा हूँ मैं अपने समर्थकों के लिए। अरे भाई इलाके का नाश होया जा रहा है, आप और हम निकल नहीं सकते, अभी 1 घंटे में ये गए हैं, 50 तो हमारी गाड़ी में झटके लग गए, अरे कहीं गंदगी के ढेर लगे, कहीं सड़कें टूटी पड़ी है, नगर परिषद के बाहर क्या हाल है, 2 बूंद आती है हम लोग गिरते पड़ते आते हैं। अरे भाई कोई तो सुन ले कम से कम, चेयरमैन तुम्हारी 1 फोन करता है ना, अगर आप दमदार नेता हैं तो मारे ना घंटी खींच करके, क्या हो रहा है भाई, खुद निकले चेयरमैन, खुद अपनी गाड़ी के अंदर निकलते हैं और आम पब्लिक को मरने के लिए छोड़ दिया, और लोग मीडिया को गाली बकते आप हमारी आवाज नहीं उठा रहे। मोहनलाल जी पिछले 3 साल से ये भ्रष्टाचार की आवाज, मैं तो सबसे पहले कह रहा हूं कि रेवाड़ी जिले के अंदर रेवाड़ी जिले को बदनाम किया, एक तो मंत्री बनवारी लाल ने, दूसरा बदनाम किया चेयरमैन ने, इनसे भ्रष्टाचार भी कोई नहीं है, दोनों खिलाफ लड़ाई में लड़ रहा हूं, एक तो मैं लड़ाई जीत गया हूं कि बनवारी, आज मैंने कोऑपरेटिव महकमे के 24 अफसर अंदर करवाए, 24 में से कम से कम 18 या 20 गजेटेड अफसर है एचसीएस लेवल के जो जेल यात्रा में है, मंत्री बच गया था, सरकार बचा रही थी, अब मैं कामयाब भी हो गया हूं कि मंत्री की टिकट कट गई है, मंत्री भी बहुत जल्दी जेल के अंदर जाएगा। और रही बात इसकी आपकी क्या नाम है चेयरमैन की, तो चेयरमैन की विजिलेंस की जांच करवाई मैंने, करवाई जांच हो गई है पूरी, बीच के अंदर लोकसभा चुनाव आ गए थे, वो चुनाव आचार संहिता लग गई थी, फिर कोई बदरी बुदरी हो गई थी, अफसर बदल दिए थे, अब दोबारा फिर लग गई है, मगर अंदर जाएगी डेफिनेटली वहां से। मैं तो जो मेरी हिम्मत है, मेरी औकात है, दूसरी लड़ाई में लड़ रहा हूं, रही बात आवाज उठा रहे भाई, अरे वो बात आप ठीक कह रहे हो भाई, इतने जनता का तो बहुत कुछ बिगड़ गया, विधानसभा चुनाव सर पे है, अगर राव टिकट भी दिला देंगे कौन वोट देगा। अरे तो जनता, मोहन लाल जी जनता को मैंने भी कहा था भाई, जैसे मैं आवाज उठा रहा हूँ मेरे साथ 100 आदमी खड़े तो हो, कोई आदमी खड़ा तो हो, कोई आदमी आवाज तो उठाए, कोई आदमी आवाज बाजार में निकले हैं गाड़ी रोक रोक करके लोग हमसे कह रहे हैं, मोहन लाल जी कभी आप खाली राव राव को दिखा रहे हैं, टिकट टिकट कभी इन मुद्दों पे भी उठा, आज इसलिए मोहनलाल जी सुनो, मैं आपके चैनल पे आज कह रहा हूँ, कोई भी 100 आदमी 100 व्यक्ति आपका फोन नंबर हरेक के पास है, 50 व्यक्ति आपके फोन करके करे कि फलाने दिन कमेटी में मिलना है, डीसी ऑफिस से मिलना है, मैं सबसे पहले खड़ा मिलूंगा, करते हैं ना बात बैठ के, यहाँ से जितने भी कैंडिडेट है भाई, पहले शहर की सफाई कराओ फिर वोट मांगने आना, शहर के लिए तुम्हारा क्या एजेंडा है, शहर के लिए तुम्हारा क्या 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 रोड मैप है, पूछेंगे ना हम यहाँ से, डिबेट करवाएंगे ना यहाँ से, सबकी लिस्ट आ जाएगी 2-4 दिन के अंदर, टाइम दो, शहर के जो जागरूक नागरिक है तो वो जुड़ा, टिकट के इतने दावेदार घूम रहे हैं, इतने लोग लग रहे हैं टिकट 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 को, दिल्ली पड़ा है, गुड़गांव पड़ा है, नेता मंत्रियों के धक्के खा रहा है, अरे वो मुद्दे की बात कर रहे हैं क्या,
तमाम मुद्दे की बात नहीं कर रहा, लग रहा है किसी को है सरोकार, बरसात आई पानी जाम, मुद्दे की सर्कुलर रोड में पूरा पानी भर गया, यानी कि ये सोच के चलिए जनता तो देख रही है और एक विपक्ष का विधायक जो भर बरसात में कंपेनिंग कर रहे हैं और लोग उसको कह रहे थे बोले मैं क्या करूं भाई हमारी सुनते नहीं, हम तो विपक्ष के, आपने जिता तो दिया इस बार हमारी पूर्ण सरकार लेकर, वो इस बात का फायदा उठाने के चक्कर में है और यानी कि कहीं ना कहीं ये भटिया इसलिए बैठ रही है कि कोई सुनता नहीं है, सत्ता में रहकर कोई नहीं। अफसर के कान पे जू नहीं रेंगती है, अफसर के पास जाओ आप फोन करो, अफसर दूसरे पे टाल देता है, नेताओं में दम नहीं है भाई, इसके बदले नेताओं के घोटों का पानी मर गया, नेताओं में दम नहीं। हाँ ठीक कह रहे, अब ना तो वो अफसर रहे ना वैसे लीडर रहे, बात ये है सारी। विनय जी ये हालात है तो ये मान के चलिए बीजेपी का यहाँ से बात ये है, अगर कैंडिडेट चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे ठीक है, चुनाव लड़ेंगे, अब खट्टर साहब की मेहरबानी से जिनको टिकट मिलेगी, अब उसको अगर वो कैंडिडेट जीत जाता है जनता के लिए काम नहीं करता तो उसका इलाना खट्टर साहब को दें या कैंडिडेट को, अगर सांसद साहब के आशीर्वाद से जिस कैंडिडेट को टिकट मिलेगी वो चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए जाता है तो उसके काम करने ना करने की जिम्मेदारी सांसद साहब लेंगे, वो कैंडिडेट खुद लेगा। सर वोट क्यों मांगने आ रहे हैं भाई? अगर कैंडिडेट खुद जिम्मेदारी ले रहा है अगर मैं काम कराऊंगा तो फिर उलाना उस कैंडिडेट के सर है, और अगर सांसद साहब कहते जी मेरे शक्ल देखकर मेरी वजह से वोट दो मैंने टिकट दिलवाई है तो फिर वो सारे उलाने सांसद साहब के सिर है। अब ये बहाने लगाना सरकार नहीं सुनती, अफसर नहीं सुनते, नगर परिषद नहीं सुनती, ये केवल चुनाव के माहौल को मैनेज करने के लिए ये चीजें हैं, जनता को इन चीजों से कोई सरोकार नहीं। आज आप हम दो घंटे बाजार में घूमे, शहर में गए, कितनी जगह तो आवारा सांड और पशु चौक चौराहों पर सड़कों पर थे, रास्ता जाम रुका हुआ था, कितनी जगह लोगों ने आपको रोक कर कही मोहनलाल जी आप केवल राजनीतिक समस्याओं के पीछे पड़े, ये जो जनता की समस्याएं हैं आप इन पे क्यों नहीं खबरें करें, क्यों नहीं उठाते हो, तो लोगों ने एक ही सवाल किया था। इस बार अगर जो कहेगा ना जी मेरे आशीर्वाद से टिकट मिली है या मैं जनता का विकास करूंगा उनसे हम सवाल जवाब जी, फिर इसके मतलब वो सही कर रहा है, कांग्रेस का अगर विधायक है वो सही कर रहा है, वो कह रहे मैं डिप्टी सीएम बनकर मैं करूंगा, सरकार का जिक्र ही नहीं कर रहा, वही तो बात कर रही है, इसीलिए उनको 19 लोगों ने जिता दिया। खट्टर साहब के राज में नहीं हुआ तो चेहरा मोदी जी से अब उलाना खट्टर साहब को मिले या मोदी जी को दे, अब चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा हरियाणा का डिपेंड उस पे करता है, मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा तो जनता 10-2 बार ठगी जा चुकी है कि मोदी जी के चेहरे पर उलाना देके मोदी के पास कोई नहीं जा सकता। अगर खट्टर साहब के चेहरे पे चुनाव या सैनी साहब के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है जी कैंडिडेट हमने उतार दिया आप इनको वोट, हमारे चेहरे पे चुनाव लड़ो, तो उनको उलाना देने जाने के बाद एमएलए एमपी की हिम्मत नहीं है तो जनता कहां से जाएगी, जनता कहां। दूसरी बात ये हमारे सांसद साहब के चेहरे पे दक्षिणी हरियाणा का चुनाव लड़ा जाएगा तो सांसद साहब खुद कितने दिन यहाँ अपने क्षेत्र के अंदर जनता के बीच में रहते हैं, उनके पीए से तो लोगों की बात हो नहीं पाती, उनसे उड़ाना देने कौन जाएगा। दूसरी बात अब मंत्री अगर कोई बन गया एमएलए बन गया तो वो खुद गुड़गांव दिल्ली रहने लग गए, चुनाव रेवाड़ी का लड़ते हैं रहते हैं दिल्ली गुड़गांव है तो उनसे शिकायत करने कौन जाएगा। तो जनता तो आज के समय में इसी पशुपेश में है, अब हम जिता तो दे पर उन लोगों से हमारा बाद में सरोकार गुस्सा कहीं ना कहीं लोगों का जायज है, लोगों में है बिल्कुल जायज है, देखने को बाजार में गए बाजार जहां जगह जगह गए लोगों के फोन आ रहे हैं, कमेंट में लोग हमें गालियां बक रहे हैं कि भाई मीडिया बिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है, हकीकत क्या, हमारे नेताओं का जो है रुतबा खत्म हो गया, सिर्फ चुनाव जीतो आलिशान कोठी में बैठो, अपने इतिश्री चेयरमैन बनाया जिस टाइम वोट मांग रहे थे घर घर भाग रहे थे दौड़ रहे थे 5 साल सत्ता की मलाई खाएंगे, और अब तो देखिए इतनी हिमाकत यानी कि विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि नगर परिषद में कुछ किया नहीं किया और विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, तमाम मुद्दे हैं और लगता है यही कहीं ना कहीं वजह है कि राव की फजीहत हो रही है, और ये राव की फजीहत विधानसभा चुनाव में कितनी महंगी पड़ेगी ये अभी देखना होगा, क्योंकि राव इसका स्वाद लोकसभा चुनाव में चख चुके हैं, भले ही वो चुनाव जीत गए जो मार्जिन कम है वो बता गया, राव साहब आप भी गद्दी से नीचे उतर के आइए आम जनता के बीच में सुनिए, क्योंकि आप दिल्ली जाकर के बैठे हैं टिकट दिलाने के लिए, यहाँ भी आके देखिए इस मानसून के अंदर लोग कैसे मर रहे हैं, और ये गुस्सा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में फूटेगा और लोग बता देंगे, और यही वजह है कि कैप्टन हाउस बार बार चुनाव जीतता है, वो लोगों के दिलों में रहता है, सड़कों पर उतरता है, जिस तरीके से बारिश के मौसम में वो उतर रहा है विधायक चिरंजीव राव, हालांकि टिकटें मिली नहीं है, और टिकटें मिली नहीं है तो चंडीगढ़ जाकर के बैठ सकता था, दिल्ली जाकर के बैठ सकता था, ये कई सारे मुद्दे हैं जो आज हमें लोगों ने बताए कि अब हम बात करेंगे आम आदमी के मुद्दों की। फिलहाल आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।